हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, और ये हमारा स्नैपचैट ऐप है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें हीलिंग पर क्लिक करना है। और हीलिंग पर आने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, हीलिंग में आने के बाद इन दाग को, पिम्पल्स को मिटा देते हैं। फ्रेंड्स इस पर एक दो बार क्लिक करना है। ये तो फ्रेंड्स हम हर वीडियो में बताते हैं, तो इसका तो ध्यान रखना ही है आपको। तो फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल बात है, इसे तो आपको ध्यान में ही रखना है। तो यहाँ से इसे रिमूव हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इसे सही के आइकन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमें टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें फिर से ले लेना है 48 लेना है, और यहाँ से इसे थोड़ा बढ़ा देना है, 100 कर देते हैं इसे, और इसे भी 100 कर देते हैं फ्रेंड्स, और इसे 75 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से कंप्लीट। अब हमें सेलेक्टिविटी को कलेक्ट, यहाँ से सेलेक्टिविटी को लेना है, और सेलेक्टिविटी को लेने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से हमें हाथ पर क्लिक कर देना है, और इसे थोड़ा जूम कर देना हाथ के लेवल का। यहाँ से फ्रेंड्स इतना कर देते हैं, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से 65 इसे रख देते हैं, और इसके बाद फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें ये तो इसे तो यहाँ से एक बार फिर क्लिक करना है, और इसे भी जूम कर देते हैं फ्रेंड्स, इसे इतना रख देते हैं, और इसे भी 65 कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से इसे 65 कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और तो फ्रेंड्स इसे हम फेस पर रख देते हैं। और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, इसकी लगभग 25 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसे सही के आइकन पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से ट्यून इमेज पर फ्रेंड्स क्लिक करना है, और इसकी थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस लगभग 15 कर देते हैं, और थोड़ी सी इसको बढ़ा देते हैं स्ट्रक्चर को, इसको फ्रेंड्स इतना कर देते हैं, लगभग 50 कर देते हैं फ्रेंड्स, और इसे बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी 50 कर देते हैं, इसे 25 कर देते हैं फ्रेंड्स, और थोड़ी हाईलाइट को 0 रहने देते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स फिर से सही आइकन पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ से हमें फिर से एक बार टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें फिर से ट्यून इमेज को ही क्लिक करना है, और यहाँ से इसे ब्राइटनेस को रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें स्ट्रक्चर को फुल 100 कर देना है फ्रेंड्स, और इसे कर देना है इसे 75 कर देते हैं फ्रेंड्स, हाईलाइट को 0 रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें इसे सही के आइकन पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स सही के आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्रॉस एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ से व्यू एडिट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स व्यू एडिट पर आने के बाद हमें यहाँ से ट्यून इमेज पर क्लिक करना है, और ब्रश पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स ब्रश पर क्लिक करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें यहाँ पर फ्रेंड्स 0 आएगा, और इसे चेहरे से इसे रिमूव कर देना फ्रेंड्स, इसे जल्दी से रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसे कर देते हैं, और इसे हाथों से भी रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से इसे सही से बैक लेने के बाद फ्रेंड्स हमें फिर से टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से डबल एक्सप्लोजर पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स डबल एक्सप्लोजर पर क्लिक करना है फ्रेंड्स हमें प्लस इमेज के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें एक रेड बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं नीला बैकग्राउंड लेता हूँ, जो भी आपको लेना है, और फ्रेंड्स यहाँ से इसे एड पर क्लिक करना है, और यहाँ से सही के आइकन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। सही के आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें फिर से क्रॉस एरो पर जाना है, और यहाँ से व्यू एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ से फ्रेंड्स हमें ब्रश के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से फ्रेंड्स
इसको इंक्रीज कर देते हैं 100, और 100 करने के बाद फ्रेंड्स हमें सनग्लासेस पर कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फोटो एडिट हो गया, यहाँ से सही आइकन पर क्लिक करना है और इसे बैक ले लेना है फ्रेंड्स। बैक लेने के बाद फ्रेंड्स हमें एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर आने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से पिक्सार्ट पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स पिक्सार्ट में आने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से टूल्स पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, और यहाँ से एडजस्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से फ्रेंड्स हमें इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कलर को चेंज करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस इरेजर पर क्लिक करना है, इरेजर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे मिटा देना है, इसको साइज को लगभग इतना कर देते हैं। इसे पूरे से रिमूव कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये यह हमारा हो गया कंप्लीट। इसे सही के आइकन पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसे भी सही के आइकन पर क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से एक हेयर स्टाइल लेना है, और यहाँ से इसे फ्रेंड्स ब्लेंड पर क्लिक करना है, इसे मल्टी पर इसे डार्क कलर पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसे लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इरेजर के आइकन पर क्लिक करना है और इसे चेक कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो एडिट हो गया, इसे सही कैमरे पर क्लिक कर देते हैं, और इसे भी सही कैमरे पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप फोटो कितनी ओसम सी लग रही है, और फ्रेंड्स फोटो हमारा एडिट हो गया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।